हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कैसे आप गूगल फायर बेस का यूज़ करके अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक डायनेमिक लिंक क्रिएट कर सकते हो, ताकि आप अगर उसको इंस्टाग्राम अपने फेसबुक पे शेयर करो तो आपका जो यूज़र है डायरेक्टली आपके यूट्यूब एप्लीकेशन पर पहुँच जाए और आपका जो सब्सक्राइबर है बढ़ जाए। अगर आप अपने इंस्टा बायो में या अपने फेसबुक पेज पे कोई भी यूट्यूब वीडियो का यूआरएल सेंड करते हो या पोस्ट करते हो, तो अगर कोई यूज़र उस पर क्लिक करता है तो आपका जो फेसबुक ब्राउज़र है, आपका जो इंस्टाग्राम का ब्राउज़र है, उसी में ओपन हो जाता है, ना कि आपके यूट्यूब के ऐप में। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो यूआरएल लगा के, तो आपका जो यूआरएल है आपके ब्राउज़र में ही खुलेगा, इंस्टाग्राम के ब्राउज़र में ही खुलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गूगल फायरबेस का यूज़ करके डायनेमिक लिंक क्रिएट करने वाले हैं। अगर यूज़र उस यूआरएल पे यानी डायनेमिक लिंक वाली यूआरएल पे क्लिक करता है तो आपके यूट्यूब ऐप में चला जाएगा, ना कि इंस्टाग्राम के ब्राउज़र में। तो कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको सॉर्ट करना है, कैसे उसकी ब्रांडिंग करनी है, वो सब भी जानेंगे। तो इसका यूज़ करके आप यूट्यूब को ही नहीं, फेसबुक तक को भी आप यहाँ पे बना सकते हो, फेसबुक के यूआरएल को भी यहाँ पे बना सकते हो। जैसे कि अगर आप अपने इंस्टा बायो में फेसबुक का यूआरएल दोगे तो आपके फेसबुक एप्लीकेशन पे ओपन होगा, अगर आपके फ़ोन में फेसबुक एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा तो। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग वीडियो। तो आपको जाना है सिंपली google.com पे और सर्च करना है गूगल फायरबेस। आपको यहाँ पे फर्स्ट साइट मिल जाएगी, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आप देखिए एडवर्टीजमेंट भी चल रहा है, वैसे आप उस पर क्लिक कर सकते हो। तो चलिए मैं ऑफिशियल साइट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर गो टू कॉन्सोल का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर फ्रेश अकाउंट क्रिएट करो तो फ्रेश अकाउंट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर आपको एक नया अकाउंट दिखा देता हूँ कैसा दिखता है, कैसे क्रिएट करना है, और मैं आपको पहले क्रिएट करके भी दिखा दूंगा कैसे करना है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ दूसरे यूज़र से लॉगिन कर लिया है। तो आपको सिंपली गो टू कॉन्सोल करना है। चिंता मत करिए, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, आप भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही सिंपली है, कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको सिंपली एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट वैसे तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है, तो आप हम लोग यहाँ पे करेंगे नहीं, आपको जस्ट डेमो पर्पज से आपको मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ देखिए मैंने कई प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। तो चलिए मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो प्रोजेक्ट के नाम में मैं यहाँ पे डेमो डाल देता हूँ, क्योंकि हम लोग ये डेमो पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। सिंपली आप कंटिन्यू करिए। फिर यहाँ पूछ रहा है एनालिटिक्स को ऑन करना है कि नहीं। गूगल एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हो ताकि आप इसको ट्रैक कर सको, कितने यूज़र्स ने आपके लिंक पे क्लिक किया, आप यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हो, काफ़ी यूज़फुल फीचर है ये। तो आप सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे अकाउंट पूछ रहा है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे सिंपली, लेकिन हम लोग के पास ऑलरेडी तीन तीन अकाउंट है, तो मैं एक सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि मेरा TI न्यूज़ करके, तो मैं सिंपली क्लिक कर दिया। तो आपका जो प्रोजेक्ट है सिंपली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो गाइज हमारा जो डेमो नाम का प्रोजेक्ट है ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो मैं सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो आपका जो प्रोजेक्ट है आप उसमें लॉगिन हो जाओगे। तो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे कई सारे चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हो, जैसे कि iOS में, एंड्रॉयड में, और साथ साथ अपने वेबसाइट पे वेब एप्लीकेशन वगैरह बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे डायनेमिक लिंक सिंपली जनरेट करने वाले हैं। तो आप यहाँ सिंपली इंगेज में आएंगे, इंगेज टैब में, फिर यहाँ पे आपको एक डायनेमिक लिंक का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ आप जैसे ही आएंगे तो आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे यहाँ पे आपके डोमेन का नाम पूछेगा, आप यहाँ पे अपना खुद का डोमेन भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है, तो आप यहाँ पे अपने डोमेन का नाम डाल दीजिए। फिर उसके बाद वेरीफाई करना होता है, लेकिन अगर आपके पास आपका डोमेन नहीं है तब भी आप यहाँ पे अपना URL बना सकते हो। कैसे बनाना है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे हम डेमो 2020 मैं सिंपली इस नाम से क्रिएट करता हूँ, ये देखिए। अगर सेम नाम से आपका प्रोजेक्ट होगा तो आपका नहीं क्रिएट होगा। मैं सिंपली इसको फिनिश करता हूँ। तो ये लीजिए हमारा जो डायनेमिक लिंक है वो क्रिएट हो चुका है ना, काफ़ी सिंपल, बहुत ही सिंपल था। अब कैसे इसको इंटीग्रेट करना है वो जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं youtube.com पे जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर मुझे इस URL को एम्बेड कराना है तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा और यहाँ डेमो में आऊँगा और यहाँ सिंपली न्यू डायनेमिक लिंक पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट लिंक का URL पूछ रहा है, क्या रखना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि हमारा चैनल का नाम हर्ष है, मैं सिंपली हर्ष डाल देता हूँ। सिंपली आप जो भी चाहो वो लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, नहीं तो ऑटो जनरेटेड भी रख सकते हो। फिर यहाँ पे अपने URL का नाम यहाँ पे ऐड करना है। सिंपली मैं youtube.com का यहाँ पे URL ऐड कर देता हूँ। फिर यहाँ पे डायनेमिक लिंक नेम पूछ रहा है, बेसिकली ये ट्रैक करने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हो। मैं अपने चैनल का ही नाम डाल देता हूँ ताकि याद रहे। फिर सिंपली आप नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, फिर आपको सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए आपका लिंक क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको कॉपी करके अपने इंस्टा बायो में, फेसबुक पे कहीं भी शेयर कर सकते हो। तो देखिए अगर मैं इस पर इंटर करूँगा तो आपका जो मेन यूट्यूब चैनल है उस पर ही रिडायरेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सेम URL को मोबाइल फ़ोन में ओपन करोगे
तो यहाँ पे आप मेरे मोबाइल फ़ोन में देख सकते हो, मैंने सेम यूआरएल को यहाँ पे लिख लिया है। मैं सिंपली अगर इसको इंटर करता हूँ तो ये मेरे मोबाइल फ़ोन के यूट्यूब एप्लीकेशन में वो रिडायरेक्ट करेगा। अभी आप देखिएगा, ये देखिए रिडायरेक्शन हो रहा है और ये देखिए मेरा यूट्यूब एप्लीकेशन सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। वैसे अगर आपको चेक करना है तो आप मेरे इंस्टा बायो में जाके चेक कर सकते हो, मैं वहाँ पे लिंक ऐड कर दूंगा। वैसे हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, वैसे बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे ऐप ओपनर, ओपन इन ऐप डॉट कॉम करके जो वेबसाइट्स हैं उस पर जाके भी आप बना सकते हो सेम, लेकिन क्या है कि आपकी खुद की ब्रांडिंग नहीं होगी। तो ब्रांडिंग कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो आप किसी और की वेबसाइट का इस्तेमाल क्यों करोगे? जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स ऐप ओपनर का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते तो अपना खुद का यूआरएल यहाँ पे क्रिएट कर सकते थे, लेकिन वो दूसरे की वेबसाइट प्रमोट कर रहे हैं, ना कि अपनी वेबसाइट खुद की। तो ये तो बात हुई कैसे आपको प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, कैसे आपका ऐप ओपन होगा। चलिए मैं आपको अपना खुद का प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा यहाँ पे डी यूआरएल करके है, तो बेसिकली यहाँ पे डायनेमिक यूआरएल शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख रखा है। तो मैं यहाँ पे अगर आपको जाता हूँ, यहाँ देखिए डायनेमिक लिंक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तभी आप देखिएगा यहाँ मैंने अपना खुद का डोमेन यूज़ किया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे http://url.hers.com कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ बनाया है। अगर मैं इस यूआरएल को शेयर करूँ, बेसिकली मैंने एक रैंडम सा वीडियो यूट्यूब से उठा लिया था, अगर मैं इसको भी इंटर करूँ तो कोई ना कोई वीडियो जरूर ओपन होगा। तो ये देखिए मैंने एक वीडियो का यूआरएल यहाँ शॉर्ट किया था, तो यहाँ पे ये वीडियो ओपन हो गया। अगर कोई इस पर विजिट करेगा तो यहाँ देखिए इनवैलिड डायनेमिक लिंक फायरबेस, क्योंकि फायरबेस के थ्रू एक कनेक्टेड है। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ किसी और को ना दिखे तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि अपना खुद का यूआरएल शॉर्टनर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास खुद का यूआरएल शॉर्टनर भी नहीं है तो आप bit.ly का यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे वर्क कर रही है तो आप सिंपली प्लगइन में जाके कोई सा यूआरएल शॉर्टनर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिंक करके एक था उसको सिंपली रैंडमली डाउनलोड किया था। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप यहाँ देख पाओगे जितने भी लिंक को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, तो रुकिए लोड हो रहा है पेज, आप यहाँ देख पाओगे जितने भी लिंक्स को मैंने आप शॉर्ट किया हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मेरे चैनल का है तो मैंने देखिए page.link करके बनाया था चैनल के नाम से। बेसिकली मैंने यहाँ पे जो हमारा डोमेन था उसी का यूज़ किया है। मैं इसको बाद में चेंज भी कर दूंगा, तो इससे क्या होगा जो यूज़र होगा उसको ये चीज़ नहीं दिखेगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के दिखा दूँ, इसको मैं सिंपली कॉपी करता हूँ। अगर आपको ये इस तरीके का यूआरएल मिल जाए और कुछ इस तरीके का यूआरएल मिल जाए तो आई थिंक आप इसी को ही प्रीफर करोगे। देखिए आपको मैं दोनों में फ़र्क दिखा देता हूँ। ये जो यूआरएल है वो फायरबेस का है और ये जो यूआरएल है आपका है। अगर आप इस पर इंटर करोगे तो ये बेसिकली जो यूआरएल है इस पर रिडायरेक्ट करेगा इस यूआरएल पे, और ये जो यूआरएल आपके यूट्यूब एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो काफ़ी सिंपल सा यहाँ पे हम लोगों ने एक चैनल जैसा बना रखा है ताकि ये सारी प्रोसेस अच्छे से वर्क कर पाए और आपकी खुद की ब्रांडिंग हो पाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल पाएं। खैर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।